शिवपुरी जिले के पिछौर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी का अपने बेटे दिनेश लोधी को लेकर बयान सामने आया है। पिछले दिनों प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी ने पुरानी छावनी थाना इलाके में अपने घर के पास आपराधिक वारदात को अंजाम दिया था। उसने अपनी गाड़ी से एक मासूम को कुचलने की कोशिश की थी। प्रीतम सिंह लोधी खुद अपने बेटे को थाना छोड़कर आए थे। विधायक प्रीतम सिंह लोधी का कहना है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी कोई भी हो, इसलिए मैंने स्वयं अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया है। प्रीतम लोधी ग्वालियर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में अपने बेटे की करतूत पर दुख व्यक्त किया। देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई रिश्ता नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, चाहे कोई भी हो। अगर हमारे लड़के ने अपराध किया है तो मैंने स्वयं थाने में ले जाके अपराधी को दिया और एसपी साहब से मैंने स्वयं बात की। मैंने कहा नहीं, अपराध रोकने के लिए इस पर कड़ी से कड़ी धारा लगाई जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसके एसपी साहब गवाह है। अपराध कोई भी करेगा, अगर अत्याचार अन्याय करेगा तो प्रीतम लोधी उसके खिलाफ रहेगा, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। और मैं तो शुरू से अपराध के विरोध में रहा हूँ, गरीबों की सेवा में रहा हूँ और यही करता रहूँगा। गिरफ्तारी भी आपने कराई जी? गिरफ्तारी उसकी? हाँ, गिरफ्तारी मैंने, आप पता करिए थाने के टीआई से, एसपी साहब से हमने स्वयं ले जाके थाने में किया है। और जो थर्ड डिग्री का पुलिस इस्तेमाल कर दी है वो हमने किया, मारपीट भी की, बिल्कुल राइट किया हमने। हमने की अपराध नहीं करने देंगे, हमारे घर में अगर अपराधी रहेगा तो हम बख्शेंगे नहीं। इससे आपकी छवि पे अंतर पड़ा फिर भी इस पूरे मामले से? ताज जी, बात सही है आपकी, अब लोगों को थोड़ी पता है कि हम अपराधी खिलाफ हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को सबको मालूम है कि हमने इस अपराध में अपराधी का साथ दिया कि हमने फरियादी का साथ दिया। हमने फरियादी का साथ दिया, अपराधी का नहीं दिया।